किस तरह से आश्वस्त करेंगे आप हमारे उन छात्रों को जो इस वक्त अपनी परेशानी के साथ आपको सुन रहे हैं? मुझे लगता है कि अब अभिभावकों को हमने शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी किया है और सबको ऑनलाइन जो शिक्षा है वो किस तरीके से उस पाठ्यक्रम को पढ़ा सकते हैं, दीक्षा पोर्टल है, ई लर्निंग है, स्वयं है, स्वयं प्रभा है, तो मुझे लगता है अब अभिभावकों को ये नहीं लगेगा कि अब यदि स्कूल बंद हैं तो उनका बच्चा कैसे करके खाली है और कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है। ये अब संवाद उससे लगातार बना हुआ है और पाठ्यक्रम भी पूरी तरीके से ये सुनिश्चित किया हुआ है। जैसे शैक्षणिक कैलेंडर हमने वैकल्पिक रूप में स्कूली शिक्षा का जारी किया, एनसीईआरटी ने जारी किया है, और कितना पढ़ना चाहिए, अब वो फ्री भी रहे, मस्त भी रहे, व्यस्त भी रहे, तो उसके लिए ऑनलाइन शिक्षा का सुनिश्चित किया है। और उच्च शिक्षा का भी हम लोगों ने अभी शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है जिसमें जुलाई से परीक्षाएं शुरू होंगी, लेकिन जिन क्षेत्रों में जुलाई तक भी स्थिति सामान्य नहीं होती है उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित कर दी गई है। और इधर सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं थी तो उसमें कुछ हाई स्कूल की कुछ परीक्षाएं रह गई थी और कुछ इंटर की रह गई थी, वैसे तो कुल 83 पेपर्स रह गए थे लेकिन 29 पेपर ही मुख्य विषय के उन्हीं को करेंगे, जो वैकल्पिक विषय हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर करेंगे। इसलिए इन छात्रों को अब पूरी तरीके से कोई शंका करने की जरूरत नहीं, और अभिभावक भी मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया उसमें वो बच्चे की मदद करें। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। देखिए इस वजह से अब छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन जिन छात्रों के एग्जाम बाकी रह गए हैं और लॉकडाउन हो गया है वैसे छात्रों के लिए आपके लिए आगे का प्लान क्या है, इसके बारे में अगर आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बता पाए। कि सीबीएसई ने सुनिश्चित कर दिया कि जिन छात्रों की परीक्षाएं रह गई हैं उन छात्रों के हाई स्कूल के कुछ पेपर रह गए, बहुत कम पेपर रह गए, बाकी तो लगभग लगभग हाई स्कूल की परीक्षाएं हो गई हैं, लेकिन जो कुछ पेपर रह गए हैं और जो इंटरमीडिएट के पेपर रह गए हैं जैसे स्थिति सामान्य होगी उसके बाद उनको तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। और जो कॉपियां चेकिंग करने के लिए थी, जांच करने के लिए थी, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कॉपियां अध्यापक तक पहुंचे और उसकी जांच शुरू हो जाए।